हेलो फ्रेंड्स, अमित कुमार डायरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये व्लॉग वहाँ से शुरू कर रहा हूँ जहाँ से पिछला व्लॉग खत्म किया था, गुप्त काशी मंदिर से। अब हम नीचे जा रहे हैं गुप्त काशी टैक्सी स्टैंड, वहाँ से हम ऊखी मठ के लिए टैक्सी पकड़ेंगे और ये 110 सीढ़ियाँ उतर करके जाना पड़ता है। मेरा प्लान है कि मैं आज रात तक शाम तक चोपता पहुँच जाऊँ, हिल स्टेशन है। चोपता जाने के लिए डायरेक्ट यहाँ से टैक्सी नहीं है, पहले हमें जाना पड़ेगा ऊखी मठ, ऊखी मठ से फिर दूसरी टैक्सी लेकर के चोपता। और ये आ गए हम टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ केदारधाम और नीचे रुद्रप्रयाग और गुप्त काशी। केदारधाम यात्रा के दौरान एक मुख्य पड़ाव रहता है, तो हमको गुप्त काशी के दर्शन हो गए। चार पांच दिन पहले हमको उत्तर काशी के दर्शन हुए थे। वो अच्छा है होटल भाई। ऊखी मठ के लिए गाड़ी मिलेगी अभी, ये ऊखी मठ जाएगी गाड़ी। तो मैंने बोल दिया है कि मैं 5 मिनट में लंच प्रसाद हम लेकर के आ रहा हूँ, तो बोले मफलर रख दो, सीट अपनी कवर कर लो। खाना बहुत ही ज़्यादा लाजवाब, बहुत फास्ट सर्विस है। और जिस साइड ये मंदिर है विश्वनाथ मंदिर, उसी साइड ये चौहान होटल है। और वो टैक्सी स्टैंड और इस दुकान में मेरा बैग है। ऊखी मठ वाली टैक्सी में सामान रख दिया है और 7 सवारियाँ, 4-8 हो गई हैं, 2 की और ज़रूरत है। काली मठ यहाँ से 7-8 किलोमीटर है। सर 35 साल से घूम रहे हैं और मेरे पड़ोसी हैं बॉम्बे में, वाशी में रहते हैं। तो सर से, सर काली मठ के बारे में बताएं। दुर्गा सप्तशती अगर आप पढ़ते हो तो दुर्गा सप्तशती में तीसरा चरित्र जो है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो महासरस्वती का प्रकट स्थान है वहाँ पर। जो वहाँ प्रकट हुई वो स्थान है और जहाँ उन्होंने रक्त बीज का वध किया वो स्थान भी है। इसके आगे जरा 5 किलोमीटर में रुक्ष महादेव करके जगह है, जहाँ काली के संवार के बीच में आए थे तो काली ने उनके शरीर पे पैर रखा था, तभी वो शांत हो गई थी। और एक बात काली मठ के बारे में ज़्यादा जानना जरूरी है कि कालिदास जी जो है मेघदूत वगैरह जो इन्होंने लिखा, वो कालिदास का जन्म काली मठ में हुआ था। यहाँ पर? हाँ, काली मठ में कालिदास का जन्म हुआ था। काली मठ के बाजू में 1 किलोमीटर के पास में कविठा करके गाँव है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था, उनका घर भी अभी है वहाँ पे। बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है। अब इस बार तो नहीं जा पाया काली मठ, शायद दर्शन नहीं लिखे होंगे, तो अब नेक्स्ट टाइम जाएंगे। 38वीं बार आए हैं उत्तराखंड, 38 25 साल में। सर कह रहे हैं 25 साल में 38वीं बार। सर बैंक कौन सा लूँ कहता है आपने? नहीं सर, मैं बहुत इकोनॉमी के लिए आता हूँ, बहुत इकोनॉमी के लिए आता हूँ। क्या करते हैं सर आप? मैं लेक्चरर था बिहार स्टेट। कहाँ से? मुंबई में, पोद्दार कॉलेज। सॉरी, पोद्दार कॉलेज मुंबई। मैंने 40 देश घूमे। 40 देश ऐसे इकोनॉमी के लिए। आधे घंटे से ट्रैफिक जाम था, अभी भी जाम है। एक बस थी वो स्लिप कर गई तो थोड़ा सा नीचे चली गई थी, बच गई, नहीं तो शायद और भी नीचे चली जाती। अभी निकली है, मिलिट्री भी आ गई थी। यहाँ से 500 मीटर पैदल जाना होगा। देख रहे हैं पूरा बर्फ से ढका हुआ पहाड़, और पहाड़ों से लिपटा हुआ है, लिपटे हुए हैं बादल। और बहुत ही मतलब अद्भुत है, कुछ कहा नहीं जा सकता। किसी का भी घर कच्चा नहीं है, सबके घर बहुत बेहतरीन है। रहन सहन इनका बहुत सादा है, भले ही कपड़े फटे पुराने हो लेकिन घर देखोगे तो बहुत सुंदर है। बिल्कुल, वाकई मैंने एक भी कच्चा घर, आज मेरा 13वां दिन है उत्तराखंड यात्रा का, और एक भी कच्चा घर मैंने नहीं देखा है। और मैम प्रोफेसर हैं थाना के पास में। मैम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप? सर को चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए धीरे धीरे आ रहे हैं। केदारधाम में थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था शीतकाल में, जब केदारधाम के ऊपर पटबंद हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो जाती है, तो 6 महीने तक उन्हें यहाँ पर लाया जाता है ऊखी मठ में, और इसी मंदिर में विराजित रहते हैं। यहाँ पर पूजन अर्चन होता है उनका, यहाँ से दर्शन देते हैं। इस जगह का महात्म्य एक और ये भी है कि बाणासुर की जो पुत्री थी उषा, और श्री कृष्ण के जो पौत्र थे अनिरुद्ध, उनका विवाह भी यहाँ पर ही हुआ था।
तो अभी भी वो मंडपम है जहाँ पर विवाह हुआ था और उसके भी लोग दर्शन करते हैं। और उषा पहाड़ी भाषा में अपभ्रंश होते होते ऊखी हो गया, इसीलिए इस जगह को ऊखी मठ कहते हैं। और यही है वो विवाह मंडपम जहाँ पर विवाह हुआ था। ओंकारेश्वर मंदिर फिर बुलाने दर्शन के लिए। तो ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर की यात्रा यहाँ संपन्न होती है इस बार के लिए। जब अगली बार भोले भंडारी बुलाएंगे तो फिर आएंगे। और अब चलते हैं बस स्टैंड। 90% चांस है कि गाड़ी नहीं मिलेगी। वैसे तो सब लोग कह रहे हैं कि 100% नहीं मिलेगी, फिर भी 10% उम्मीद में दुनिया कायम है, तो चलते हैं। मैडम आपको मेरे बैग की वजह से रुका रहना पड़ा ना इतनी देर, मैं समझ रहा था कि ऐसा ही होगा। मिल गया रूम, हो गया फाइनल। अभी मैं जा रहा हूँ अभी टैक्सी स्टैंड। स्वामी जी मिल जाएगा ना एक रूम अगर आऊंगा तो? हाँ फिर आप तो ये खोल के रखो, नंबर ले लेंगे। नंबर है है सर का। जाओ ठीक से जाना। जी 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 जल्दी जल्दी वाले कर लिए, लौट के आऊंगा तो आपके साथ करूंगा। ठीक है माता जी। जी जी जरूर, थैंक यू। रास्ते कितने खूबसूरत हैं, मंजिल का तो रहने ही दो। बहुत ही सुंदर जगह है ऊखीमठ, और वो दिख रहा है गुप्तकाशी। 15-16 किलोमीटर घूम घूम के जाना पड़ता है, ऐसे देखने में सिर्फ 2 किलोमीटर भी नहीं है। ऊखीमठ तालुका प्लेस है, तहसील है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। और हम आ गए हैं टैक्सी स्टैंड, देखते हैं शायद चोपता के लिए कोई गाड़ी मिल जाए, नहीं तो ऐसे गुप्त तो जाओगे। हाँ कितने लोग हैं? पहले हैं 3-4 लोग और थे साथ यहाँ पे। यहाँ पर 4 लोग पहले से वेट कर रहे थे, एक मैं हो गया 5। 1200 रुपये मांग रहा है, निगोसिएशन चल रहा है। 1000 रुपये बोल दिया है इन लोगों ने, 1200 में भी चले जाएंगे, 1000 में भी चले जाएंगे, कोई 1-2 लोग और आ जाएंगे उसको भी ले जाएंगे। और चोपता आज की नाइट स्टे करना है। चोपता टैक्सी स्टैंड आ गए हैं और यहाँ बहुत ठंड है। ये है 2600 मीटर पर, और जो स्टार्ट हमने किया था वो किया था ऊखीमठ से, वो 1300 मीटर है, तो 28 किलोमीटर तय करके हम 1300 मीटर हाइट हमने प्लस कर लिए। अब सबसे पहला काम है रूम सर्च करना, उसके बाद इन ढाबों में से किसी एक ढाबे पर पेट पूजा करेंगे। ये सीढ़ियाँ तुंगनाथ महादेव मंदिर जा रही हैं, कल तुंगनाथ जी के दर्शन के लिए हम भी चलेंगे। तुंगनाथ मंदिर पंच केदार में एक केदार है। अंधेरा होने की वजह से चोपता की खूबसूरत वादियां हम नहीं देख पा रहे हैं। सुबह शानदार नज़ारा रहेगा चोपता का, और चोपता के बुग्याल तो फेमस हैं ही। तुंगनाथ मंदिर दुनिया भर में सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर तुंगनाथ महादेव बैठे हैं, मीन्स कल करीब 1100 मीटर ऊंचाई का ट्रैक करना है। तो आज के लिए अमित कुमार डायरीज में इतना ही। अब आपसे कल यानी अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर मैं सिर्फ और सिर्फ घुमक्कड़ी की वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। जय बाबा केदार। बाणासुर का कैपिटल सिटी था वो तेजपुर, अरुणाचल प्रदेश में है। तो बाणासुर की लड़की थी उषा करके, तो उषा के सपने में वो अनिरुद्ध आता था हमेशा। और उषा की एक सहेली थी। अनिरुद्ध कौन थे? कृष्ण के पोते थे, कृष्ण के पोते। तो ये कलयुग की पहली प्रेम कथा है, तो उसके सपने में हमेशा वो अनिरुद्ध आता था।
तो उनकी एक सहेली थी चित्रलेखा नाम की, वो चित्रलेखा नाम की जो सहेली थी उसको एक क्वालिटी थी कि वो स्केच बनाती थी डिस्क्रिप्शन से, जो आजकल में यूज़ होता है क्राइम में, तो चित्रलेखा ने उसका स्केच बनाया था और फिर उन्होंने उसको किडनैप किया अनिरुद्ध को, और फिर यहाँ आके उखीमठ में उनका पैलेस है जहाँ अभी आप जा रहे हो, पुराने टाइप का पैलेस है, वहाँ उनकी शादी हुई थी और उषा का वो मठ है इसलिए उसको उखीमठ, इनके लैंग्वेज में उषा का अपभ्रंश होकर उखीमठ हो गया, तो इसलिए वो उखीमठ है, वहाँ शादी हुई उनकी अनिरुद्ध की और उषा की, जो तो मैं मेरे हिसाब से वो कलयुग का पहला लव स्टोरी है।